भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। देशभर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जारी है और इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इस वजह से किसी भी मंच पर आंसू बहा सकते हैं। कर्नाटक के विजयपुरा में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपने प्रधानमंत्री के संबोधनों को सुना है तो आपको लगा होगा कि वो डरे हुए हैं। राहुल ने संभावना जताई कि पीएम किसी भी मंच पर आंसू बहा सकते हैं। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने मंगलसूत्र धन का पुनर्वितरण और पुश्तैनी संपत्ति पर टैक्स को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर अलग अलग माध्यमों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वे चीन तो कभी पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं, कभी आपको थालियां बजाने को कहते हैं तो कभी आपको आपके मोबाइल फोन की लाइट जलाने को कहते हैं। इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही देश में बेरोजगारी और महंगाई पर रोक लगाकर लोगों को उनका हक दिला सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब पीएम मोदी ने सिर्फ गरीब लोगों का धन छीनकर कुछ लोगों को अरबपति बनाया है। उन्होंने कहा कि इस समय देश के 22 लोगों के पास देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय सिर्फ 1% लोग देश की 40% संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर मौजूदा योजनाओं को देखें तो दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों को कोई भी फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पीएम मोदी ने जिन लोगों को अरबपति बनाया है वो पैसा गरीब लोगों में बांटा जाएगा। राहुल ने युवाओं से वादा किया कि अग्निवीर योजना को भी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अग्निवीर योजना में 18 से 21 साल के युवाओं को 3 साल तक सेना में काम करने का मौका दिया जा रहा है। इस तरह से पीएम मोदी ने युवाओं से सेना की नौकरी छीनी है, जो कि भारतीय सेना और सैनिकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस वजह से इस योजना को खत्म होना जरूरी है। राहुल गांधी ने लोगों पर जबरन जीएसटी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 5 अलग अलग प्रकार के कर लगाए जो जनता पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीएसटी में बदलाव करेगी और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।